हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की तरफ से निकलने वाले लेटेस्ट रिक्रूटमेंट। सो आपका जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ये आपका काकरा पर गुजरात साइट के लिए है और ये आपका रिक्रूटमेंट नहीं, बेसिकली आपका अप्रेंटिसशिप है। तो यहाँ पे कौन से लोग एलिजिबल है, तो जिन्होंने ITI कर रखा है इन सब ट्रेड्स में वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे 32 पोस्ट है, देन फिटर में 32, देन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 12, देन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 12, देन PSAA या फिर आपका कोपा यहाँ पे 7 है, देन वेल्डर में 7, देन टर्नर में 7, देन मशीनिस्ट में 6, देन अपना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में 6 है। टोटल यहाँ पे 121 वैकेंसीज है। तो आप ट्रेड वाइज अपना अपना देख लीजिएगा और आपको सिंपली यहाँ पे अपने अपने ट्रेड्स में आपको यहाँ पे ITI मांगा गया है। तो ट्रेड्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, जो भी ट्रेड्स है यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रखा गया है। अप्रेंटिसशिप में आपको यहाँ पे सैलरी यानी कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो 3 ब्रांचेस को यहाँ पे अलग किया गया है। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे PSAA और कोपा या फिर वेल्डर को, इनको यहाँ पे 7,700 मिलेगा, बाकी सब ब्रांचेस को यहाँ पे 8,855 मिलेगा। मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर वेल्डर, इन सब को आपको 7,700, बाकी को आपको फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इनको आपको 8,855 रुपीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या होने वाला पूरा प्रोसेस और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा अगर आप एलिजिबल और अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम आपका 24 ईयर्स को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है UR में। देन यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो भी आपको कैटेगरी वाइज है, और आपका जो डिसाइड होगा कट ऑफ डेट वो होगा 15/7/2021, जो कि क्लोजिंग डेट है फॉर्म का। अब फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्योरली डिपेंड करता है आपके ITI के मार्क्स पे, तो ITI में आपका जितना ही परसेंटेज है उस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है जो आप पढ़ेंगे पूरा यहाँ पे जनरल कंडीशन तो पता चलेगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट वहाँ के आसपास के उनको पहले प्रीफर किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया को लिया जाएगा। तो ITI में रेगुलर ऐसे ही होता है, जहाँ पर भी आपको परसेंटेज लिया जाता है तो वहाँ पर पहले अगल बगल को लिया जाता है, आसपास के एरिया को। यहाँ पे देख सकते हैं नेबरिंग विलेज या फिर प्लांट के साइड में जो भी, तो ये काकरा पर गुजरात साइड के, तो अगर आप उस आसपास में है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और अगर आप उसके आसपास से थोड़ा दूर में तो भी आपका चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर अगर वहाँ से कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उतने परसेंटेज वाले, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है उसके आसपास के थोड़ा दूर से भी वहाँ से भी आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप में यही होता है, चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो या फिर BTech के लिए हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे नया आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको अपने नॉर्मल से डिटेल्स होंगे, फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह डाल के, और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा, और वहाँ से आपको एक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर का ही काम है, रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो उसको आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, और आपको यहाँ पे सेंड करना है, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं करना है, यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अप्लाई करने का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एड्रेस है, तो यहाँ पे दोनों में से एक लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आप एड्रेस दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मैनेजर HRM न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काकरा पर गुजरात साइट, तो अनुमाला 394651, यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट टापी गुजरात। तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है फिलअप करके एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, 15/7/2021 से पहले पहुंच जाने चाहिए, तभी यहाँ पे आपका काउंट किया जाएगा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है ये देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म इसी PDF में आपको मिल जाएगा। तो ये कॉपी आपको प्रिंट कर लेना है, 2 पेज का है, तो इसमें आपको पूरा सेंड पूरा इसको आपको फोटो चिपका के वगैरह आपको जितने डिटेल्स है सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लेना अपना, सब कुछ सही से। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह दिया गया है, तो सब कुछ इसमें लिख देने के बाद आपको यहाँ साइन वगैरह कर लेने के बाद, ये 2 पेज को प्रिंट कर लेने के बाद आपको इसमें अटैच करना है, देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। तो सेल्फ अटेस्टेड आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने जितने हैं सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन ITI का आपको, तो यहाँ पे 10th या फिर आपको फिर यहाँ पे ITI, देन सारे सेमेस्टर का मार्कशीट यहाँ पे, देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास नहीं हो तो वहाँ पे आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, तो कोई भी एक कॉपी होना चाहिए आपका जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ हो ओरिजिनल, तो मैट्रिक का यहाँ पे वैलिड होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पर आप जो भी है तो आप फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि 3 ईयर के होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो अप्लाई यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस पे मत डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
तो नेटर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्टली यहाँ पे स्कूल वाला ही मांगा जाना चाहिए या फिर आईटीआई वाला। यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको सिलेक्शन के बाद तो लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बट अभी यहाँ पे आपको जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे कॉलेज या स्कूल वाला ही मांगना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट से है तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको PWD, तो जिनका होगा वहाँ पे एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड सबको यहाँ पे अटैच करना है, और आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो आपके पास प्रिंट आएगा उसको आपको यहाँ पे अटैच करना है, तो उसका भी आपको अटैच करना है। तो ये सारे चीज़ें सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और इस एड्रेस पर आपको जो मैंने दिखाया आपको, इस एड्रेस पर आपको 15/7/2021 से पहले भेज देना है। फीस आपका नहीं लगेगा, बस आपको जो सेंड करना है वो लगेगा। सो अब आपको जो ये फॉर्म मिलेगा ये कहाँ मिल जाएगा, तो लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डायरेक्ट मिल जाएगा, बट आप फिर भी चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप NPCL काकरा पर सर्च कीजिएगा और तो जाइएगा, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट वेबसाइट होता है, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कुछ भी अभी। सो देख सकते हैं आप, ये NPCL काकरा पर का साइट है, यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप सर्च भी कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं आएगा, ये काकरा पर का ओरिजिनल साइट है, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बट आपको ये मिलेगा कहाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NPCL का, यहाँ पे NPCL.NIC.IN पे यहाँ पे मिलेगा। देन यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में HR मैनेजमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे, देन अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 10/6/2021 को काकरा पर गुजरात साइट HRM अप्रेंटिसशिप 2021, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बस आपको प्रोसेस बताया कि आपको किस वेबसाइट पर कहाँ पर मिल जाएगा ऑथेंटिक के लिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।